खालिस्तानियों पर ऑल इंडिया स्ट्राइक। सात राज्य 53 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी जारी है। एनआईए का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। उत्तराखंड के दो इलाकों में एनआईए रेड मार रही है। दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर एनआईए एक्शन में है। अब की बार खालिस्तानियों पर अंतिम प्रहार। यूपी के कई ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है। देश भर में खालिस्तानियों के खात्मे का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। खालिस्तानियों और उनके खिदमतगारों के खिलाफ एनआईए फुल एक्शन मोड में है। खालिस्तानी और गैंगस्टर के नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब से राजस्थान तक और उत्तराखंड से दिल्ली तक खालिस्तान से संबंध रखने वाले हवाला ऑपरेटर, गैंगस्टर और खालिस्तानी समर्थकों पर छापेमारी की जा रही है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब का मोस्ट वांटेड बंबीहा गैंग और कनाडा में बैठकर भारत विरोधी अभियान चलाने वाले अर्शदीप डल्ला के करीबियों पर रेड हो रही है। वहीं इस रेड में एनआईए को एक कामयाबी भी मिली है। पंजाब के फिरोजपुर से डल्ला का एक निजी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के सिरसा के थाना रोड़ी में एक शख्स के घर दबिश दी गई। देश से खालिस्तान का नामो निशान मिटाने के देशव्यापी एक्शन के बीच एनआईए ने गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ को लेकर अर्श डल्ला के खिलाफ दायर अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इस वक्त भी गैंगस्टरों का ठीक वैसा ही गठजोड़ बना है जैसा 1990 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में बना था। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बनी एनएन वोहरा कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि ब्लास्ट से पहले गैंगस्टर और पाकिस्तान की आईएसआई ने हाथ मिलाया था, जिसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए और फिर बाद में गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तत्कालीन जांच में पता चला था कि पाकिस्तान की आईएसआई ने ब्लास्ट और दंगे कराने के लिए भारत के गैंगस्टरों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर एनआईए की चार्जशीट से यह साफ है कि जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के बीच खतरनाक गठजोड़ था और वो मिलकर देश में दहशत फैलाते थे, ठीक वैसे ही आज भी खालिस्तानी और गैंगस्टरों के बीच में एक खतरनाक गठजोड़ बन गया है। लेकिन भारत में अब आतंक, खालिस्तान और गैंगस्टरों के खिलाफ देश की एजेंसियां जीरो टॉलरेंस मोड में हैं। भारत में हो रहे एक्शन की वजह से अब तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी समर्थक खौफ के साए में हैं। हालांकि निज्जर की हत्याकांड से भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनआईए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से खालिस्तानी समर्थक और आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उससे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी डरे हुए हैं। बीते 1.5 वर्षों में पाकिस्तान की जमीन पर भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी मारे गए हैं। उनकी ढाल बनी वहां की खुफिया एजेंसी भी कुछ नहीं कर पाई। आंकड़ों से समझिए आखिर खौफ में क्यों हैं पाकिस्तानी। 1.5 साल में 5 मोस्ट वांटेड ढेर किए गए। मार्च 2022 कराची आतंकवादी ढेर, कंधार हाईजैक में वांटेड, गोली मारकर हत्या। फरवरी 2023 कराची आतंकी खालिद, गोली मारकर हत्या। मई 2023 लाहौर आतंकी परमजीत सिंह पंचवड़, पार्क में गोली मारकर हत्या। सितंबर 2023 रावलकोट आतंकी कासिम, गोली मारकर ढेर। फरवरी 2023 रावलपिंडी आतंकी बशीर अहमद, गोली मारकर हत्या। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा में खालिस्तानी डर और दहशत में जी रहे हैं। जहां कुछ समय पहले तक वो भारत विरोधी प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में शामिल होते थे, वहीं 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान उनकी संख्या दहाई तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच सकी थी।
साफ है, भारत में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अपने दुश्मनों के खिलाफ भारत कठोर कदम उठा रहा है। यही वजह है कि विदेशों में भी रह रहे दुश्मनों के मन में भारत के एक्शन का खौफ ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज।